हेलो वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग गाइस। तो आज हमने ये काम भी कर दिया, मैं तो आपको दिखा नहीं पाया, कलीन ने लगा दी थी लकड़ियाँ इनकी रे, लेकिन पता नहीं यार ये वाला बजी बीमार है क्या लग गया। यहाँ पर पानी भी बहुत ज़्यादा बनता है शटर की वजह से, तो इसका भी कुछ हल निकालते हैं। और गाइस इसमें एक बजी है और वो ब्लू वाला बजी इसमें जो कि मैंने उसके साथ लगा रहे थे, तो इनका भी कुछ इंतज़ाम चलाते हैं। और ये लकड़ियाँ तो बस इतनी ज़्यादा खूबसूरत तो लग नहीं रही, लेकिन बस ठीक है, इनका काम चल रहा है फिलहाल, तो जब तक काम चल रहा है तो बस काम चलने दो। और इंशाल्लाह इनका भी इंतज़ाम करते, बस पानी का भी जल्दी से जल्दी इंतज़ाम करते, क्योंकि यार ये बजी सब बीमार हो रहे हैं इस पानी की वजह से, सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम तो हीटर चला रहे थे, लेकिन फिर भी यार हीटर फिर काम नहीं चलता क्योंकि सारी रात होती है, तो इसी वजह से तो इनका जल्दी से जल्दी बंदोबस्त करते हैं इंशाल्लाह। तो अभी क्या कर सकते हैं, भाई के दोस्त ने एक जो बजीज भेजे थे उनका भी काम करना पड़ रहा है, साफ सफाई करनी पड़ गई, क्योंकि वो तो चार बजीज है और छोटे से केज में तो बहुत ज़्यादा गंद पे जाते हैं, तो उनकी भी सफाई करनी पड़ती है, उनकी भी सफाई करनी पड़ती है। अभी इनको तो ऐसे नहीं छोड़ सकते, ये वाले केज बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये सीट में होती है तो जब वो रोटी वगैरह कर लेते तो उसी सीट पर आ जाती है और ये सीट निकाल लेती है। अभी देखो इनका भी मेरे साथ कुछ इतने खास इंतजाम नहीं है, लेकिन फिर भी है अभी इतना साफ हो जाएगा कि बस इनका काम चल जाएगा। उसने टाइम ही नहीं बताया कि यार कितने टाइम के लिए रखना है अपने साथ, उसने यहाँ पर भेज दिया बस छोड़ दिया। लेकिन हम तो बाढ़ झुला रहे हैं यार, ऐसे नहीं छोड़ सकते इनको, इनका ये सब कुछ हम करना पड़ता है, खाना वगैरह ऐसे ना हो कि मर जाए फिर उसको क्या जवाब देना पड़ेगा कि यार तुम्हारी भी जिसके साथ हमने कह दिया। ओहो पानी चला गया, अभी अब देखो हाँ ये इतना साफ हो जाएगा कि बस उनका काम चल जाएगा। मैं कल भाई जी कह दे रहा था ऐसा करते हैं इनको छोड़ते हैं अपनी बजीज के साथ, क्योंकि इनके लिए अलग खाना और ये चीज़ें फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन बस भाई ने कहा कि नहीं छोड़ते तो उसने कहा ठीक है, जैसे तुम कहते हैं वैसे करते हैं, तुम कहते हो कि नहीं छोड़ते तो बस नहीं छोड़ते इनको। और मैं तो कह रहा था उसको कि इनको मास्टर केज में छोड़ लेती, ये देखो ये तो सबसे ज़्यादा खाने वाले हैं। ओ दरवाज़ा बंद हो जा, ये देखो ये भी मैंने लगा दिया, ये वाली लकड़ी भी मैंने लगा दी, और ये इस शीट को देखो ये शीट भी मैंने लगा दी, ये इस वजह से लगाई क्योंकि पानी तो भी जब मैं आया था तो एक बजे गीला था, तो दो तीन शीटों को और भी इंतज़ाम करता हूँ मैं, तो ऐसे ही लगा देता हूँ तो ये ऊपर हो जाएगी ये शीटें, फिर पानी नहीं आएगा इन पर। अभी इसको देखो यार ये लोग अभी भी डरते हैं क्योंकि इस केज में अभी तक ये लोग अभी तक यहाँ के एनवायरनमेंट से वाकिफ नहीं है, अभी भी डरते हैं ये लोग। ये देख सकते हैं आप ये तो बहुत साफ हो गए हैं। तो इस केज में ये एक खूबी है कि ये शीट होती है ना, तो ये जब पोटी करती है तो इस शीट पर आती है पोटी, ये इस वाली शीट पर, इस वाली शीट पर फोटी आती है, तो फिर जब आपको साफ करना पड़ता है बस इस शीट को निकालो साफ करो। वो दूसरे वाले केज में तो यार फिर सारी केज को साफ करना पड़ता है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखें ये चीज़ हमने यहाँ पर निकाली थी, हम इन चीज़ें ये चीज़ें ठीक कर रहे थे, वो वाला भाजी देख सकते हैं जो सबसे एंड वाला है, हाँ वो कल नया लाए थे, सुबह बहुत ज़्यादा गीला था, अभी तो ठीक ठाक हो गया फिलहाल, लेकिन सुबह बहुत ज़्यादा गीला था, तो ये शीट मैंने लगा दी और एक और शीट भी लगा रहा हूँ, तो बस फिर इन पर पानी नहीं आएगा इंशाल्लाह। नहीं तो फुल उम्मीद है कि इन पर पानी ना आए, लेकिन देखेंगे क्या होता है, इन पर पानी आता है या नहीं। ओए अल्लाह यार इसके लिए तो एक कुंडी भी लाती है, क्योंकि यहाँ पर इनकी वगैरह रख लेते हैं तो इसकी वजह से ये बंद हो जाता है, लेकिन ऐसे ना हो कि बिल्ली आ जाए तो बिल्ली तो ये हटा सकती है और फिर सारे बजी अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ यहाँ दो तो नहीं। ये वाला केज मैं आपको दिखा रहा था, ये देख सकते हैं आप, ये जब गंदा हो जाते हैं ना तो
तो इसको साफ करना बहुत मुश्किल होता है। अभी इसको कैसे साफ करेंगे, इस पर या पानी डालेंगे या गीला कपड़ा, तो बहुत गंदा काम है, फिर सारा पोटी वगैरह होता है तो इतना मज़ा नहीं आता। फिर ये देखें, मियाँ बीवी को देखिए, हमेशा यहाँ पर बैठे रहते थे, यहाँ पर सारी जगह को देखते रहते हैं, लोग क्या करते हैं और क्या होता है क्या नहीं होता, तो बस ये सब लोग देखते रहते हैं। तो अभी तो इन लोगों ने अपने लिए नेस्ट बनाए लेकिन अंडे नहीं दे रहे शायद। ये नज़ारे आप देख सकते हैं, अभी अजान भी स्टार्ट है यहाँ पर, असर की अजान स्टार्ट है असर की। यहाँ पर हमने एक चीज़ जो की, ये जो आप देख सकते हैं मटकियाँ, ये तो हमने जो वाइल्ड बर्ड्स है और यहाँ पर कुछ और बर्ड्स आती है तो वो लोग यहाँ पर खाना खाते हैं। तभी आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया एम्बुजीज के साथ। ये आप देख सकते हैं, मैंने सिलेंडर जला दिया क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी यहाँ पर केज में, तो सिलेंडर जला दिया। असल में मेरे साथ हीटर वगैरह नहीं है ना बिजली वाला, तो अभी बस इस सिलेंडर से काम चलाना पड़ता है। मुझे पता है कि ये रिस्की है क्योंकि ये लोग नीचे उतरते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, अभी तो ये करना पड़ता है क्योंकि इसके बगैर तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। आप इस वाले को देख सकते हैं, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो इस वजह की वजह से मैं सिलेंडर चला रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी गर्मी पैदा हो यहाँ पर, तो इंशाल्लाह इनका काम चल जाएगा। अभी रात भी आने वाली है, तो अक्सर मैं रात को ऐसा कर लेता हूँ। ये तो अभी दिन है, अभी तकरीबन असर की नमाज हो गई है, शायद असर की नमाज हो गई है, तो अभी तो मैं सिलेंडर नहीं जला रहता, लेकिन रात को मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ी गर्मी के लिए मैं सिलेंडर थोड़ी टाइम जला लेता हूँ क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है इसी वजह से। लेकिन इसकी हालत कुछ ठीक नहीं लगी थी, इसकी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। इनके मेरे दो साथी जो थे वो मैंने कुल छोड़ दिए, अभी एक मेल है और एक फीमेल है, इनको यहाँ पर बंद किया है, तो ये दोनों उड़ नहीं सकती इसी वजह से बस इनको यहाँ पर बंद किया। लोग नीचे नीचे पड़ते हैं, फिर मैं सिलेंडर लगाता हूँ तो फिर ऐसा ना हो कि जल जाए, और ये किसी और की भी है तो इसी वजह से आप इनको देख सकते हैं किसी जगह पर इकट्ठा हुए है। गर्मी में यार इनको गर्मी पड़ती है, गर्मी में भी इनको मसला होता है, गर्मी इनको पड़ती है लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, गर्मी में इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, बस कुछ ना कुछ काम चल जाता है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि इनके लिए एक चीज़ लाऊं, जो लकड़ी का काम करते हैं तरकान, उनके साथ लकड़ी का बूरा होता है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि बूरा लाता हूँ और यहाँ पर बिछाता हूँ ज़मीन पर, तो इससे तो कुछ ना कुछ काम हो जाएगा, और फिर देखेंगे अगर ऊपर डालना हो तो ऊपर भी डाल लेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पर ज़मीन पर डाल लूँगा, तो उससे तो कुछ ना कुछ काम हो जाएगा क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो अगर वो बिछ जाएगी ज़मीन पर तो इंशाल्लाह फिर ज़मीन की ज़्यादा ठंडी नहीं होगी और थोड़ी गर्म हो जाएगी, तो उससे फ़ायदा पूरे कैच का होगा इंशाल्लाह। तभी एक बूरी ढूंढता हूँ और उसमें वो बूरा लाता हूँ। तो गाइस अभी मैंने ये बूरा ला दिया और अभी आप देखेंगे कि मैं इसके साथ क्या करता हूँ। आ जाओ कैमरामैन, ये मेरा छोटा कैमरामैन, गाइस बजट कम है लेकिन फिर भी मैंने कैमरामैन रख दिया अपने लिए। आ जाओ तो राधा बंद करो गाइस, तो जब मैं ये ठीक करूँगा फिर आपसे मिलूँगा, क्योंकि काम नहीं हो सकता कैमरे के साथ, मुझे पहले कैमरा नहीं पकड़ सकता, तो ये ठीक करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि कैच जिस तरह दिख रहा है, ये धुआं जो है ये इसमें गंदा होती इसी वजह से। तो गाइस अभी अंधेरा हो गए थे, ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग को ब्लॉग पसंद है, अगर ब्लॉग पसंद है तो इस ब्लॉग को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। तो इंशाल्लाह इस तरह डेली ब्लॉग आएंगे और इंशाल्लाह मुझे पता है कि ब्लॉग में बहुत ज़्यादा गलती है, ब्लॉग इतना अच्छा मज़े का नहीं है, तो इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सब कुछ ठीक करूँ, लेकिन इंशाल्लाह ये सब होगा आपकी सपोर्ट से, जब आप सपोर्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलूंगा अगले ब्लॉग में।